हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक इलेक्ट्रिक में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम सिटी के बारे में जानने वाले हैं। सिटी की इंस्टॉलेशन कनेक्शन करने से पहले हमें किन किन बातों को ध्यान रखनी चाहिए, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने बताया है सिटी क्या होता है, सिटी कैसे काम करता है और सिटी का यूज क्यों और कहाँ पर किया जाता है। इसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। इस वीडियो में हम सिटी का रेशियो, सिटी कितने क्लास का आता है और सिटी कौन कौन पर्पस के लिए यूज किया जाता है, यानी कितने कोर का आता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू किया जाए। सबसे पहले हम सिटी रेशियो के बारे में जान लेते हैं कि सिटी हमें कितने रेशियो में मिलता है। सिटी हमें दो रेशियो में ही मिलता है, एक एक्स बटा एक और दूसरा एक्स बटा फाइव। एक्स हमारा प्राइमरी साइट का करंट होता है, यानी अगर आपको सिटी खरीदने जाना हो तो मार्केट में आपको 100/1 का मिलेगा या 100/5 का मिलेगा, 500/1 का मिलेगा या 500/5 का मिलेगा। यानी प्राइमरी साइट में आपको 100, 500, 250, 300 करंट का मिलेगा, लेकिन सेकेंडरी साइड में आपको जो करंट मिलेगा वो 100/1 का मिलेगा या 100/5 का मिलेगा। दूसरा जो पॉइंट है दोस्त, इस सिटी को इंस्टॉल करते समय हमें ये कन्फ्यूजन फंसता है। कन्फ्यूजन ये होता है कि P1 और P2 किधर रखा जाए। P1 को हमेशा उधर रखा जाता है जिधर से करंट एंटर करता है, यानी सिटी पे P1 और P2 लेबल लगा होता है जिससे पता चल सके कि सिटी में किधर से करंट एंटर कर रहा है। तीसरा जो पॉइंट है कि सिटी कितने क्लास का आता है। सिटी पर अक्सर आपको 5P10VA या 5P20VA कोड लिखा दिखाई देगा। इसके बारे में इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो चलिए हम इसके बारे में भी जान लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। एक्चुअली में 5P10VA में जो 5 होता है वो रेशियो एरर बताता है, यानी जो सिटी होता है उसके सेकेंडरी करंट में प्लस माइनस 5% की एरर देखने को मिल सकता है, इसलिए वो 5 वहाँ पर शो करता है, जिसे हम रेशियो एरर कहते हैं। दूसरा जो है पी हमें प्रोटेक्शन क्लास बताता है, जिसके बारे में हम आगे भी जानेंगे। और जो लास्ट में होता है दोस्त 10, ये एग्रेसिव लिमिट फैक्टर होता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि जो सिटी हमने खरीदा है अगर उससे 10 गुना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा तब भी जो सिटी हमारा खराब नहीं होगा, यानी वह रेटेड बर्डन होता है। और यहीं पे अगर 100/5 एम्पियर का 5P20VA एक सिटी है तो वहाँ पर आपको प्राइमरी साइड में 100 एम्पियर करंट मिलेगा, सेकेंडरी साइड में 5 एम्पियर मिलेगा। लेकिन दोस्त जो है ये प्रोटेक्शन क्लास तो हमें बता रहा है 5% प्लस माइनस का एरर देखने को मिल सकता है, और 10 से मतलब ये है कि इससे अगर 1000 एम्पियर करंट अचानक फ्लो करता है तब भी जो है हमारा सिटी खराब नहीं होगा। जो हमारा पॉइंट है दोस्त कि सिटी जो है क्लास या कोर क्या होता है, इसको हम समझ लेते हैं। LT पैनल में ज़्यादातर जो सिटी लगाया जाता है वह मीटरिंग कोर का लगाया जाता है, यानी करंट को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन जो HT पैनल होता है उन सब में जो सिटी होता है वो 3 कोर का होता है। 3 कोर का मतलब ये है कि पहला कोर जो होता है वो मेजरिंग के लिए, यानी करंट को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, और दूसरा जो कोर होता है प्रोटेक्शन का होता है जिसमें कोई रिले का यूज करके प्रोटेक्शन लिया जाता है, और तीसरा एक और कोर होता है जो स्पेशल प्रोटेक्शन के लिए उस सिटी को इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं एक सिटी है और इसके अंदर जो है आपको 3 कोर दिखाई दे रहा है। इन 3 कोर का मतलब यह है, पहला जो कोर है वो मेजरिंग कोर है जो करंट को मेजर करेगा, दूसरा जो कोर है वो प्रोटेक्शन पर्पस के लिए यूज किया गया है, और तीसरा जो कोर आपको इसमें दिखाई दे रहा है ये हमारा स्पेशल पर्पस के लिए यूज किया गया है, यानी स्पेशल प्रोटेक्शन के लिए यूज किया गया है। तो मैं दोस्त आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि एक सिटी में ही 3 कोर कैसे होता है और 3 कोर का मतलब क्या है और इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है। इन 3 कोर वाले सिटी का इस्तेमाल ज़्यादातर HT पैनल में किया जाता है। जैसे कि PCB से पहले सिटी और PT का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर इस तरह का सिटी का यूज किया जाता है। तो दोस्त मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको सिटी के बारे में कुछ जानकारी जरूर लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।